कि पुत्र द्वारा ही उस तारकासुर का वध होगा जो हम देवताओं से स्वर्ग का अधिकार छीनकर हम पर अत्याचार कर रहा है और जिसके कारण हमारी ये दुर्दशा है। मेरे द्वारा शिव जी के मन में अनुराग उत्पन्न करने से यदि आपकी स्थिति में सुधार संभव है, पुनः स्वर्ग का राज्य प्राप्त होना संभव है तो मैं सहर्ष इस कार्य को करूंगा देवराज। कामदेव, यदि ये कार्य आपके द्वारा संपूर्ण हो जाएगा तो समस्त देवगण आपका आभारी रहेगा। यदि ऐसा है तो मैं रति को साथ लेकर इसी समय हिमगिरी शिखर पर जाकर इस शुभ कार्य को संपन्न कर डालता हूं। मेरी मंगल कामनाएं तुम्हारे साथ है कामदेव। सरस्वती उन्हें ब्रह्मदेव के रचनात्मक कार्य में बार बार बाधा डालने से टोकती है, पर नारद वहां आकर देवगण के पक्ष में ब्रह्मा जी से सहयोग की अपेक्षा करते हैं। ब्रह्मा जी का ध्यान भंग होने पर वे भोलेनाथ शिव की शरण में जाने का आदेश देते हैं। इसके लिए वे काशी विश्वनाथ की महिमा का गुणगान करते हुए उसे शिव की श्रेष्ठ भूमि और परम पूज्य ज्योतिर्लिंग बताते हैं और उसी की आराधना करने के लिए कहते हुए अर्धनारीश्वर से उत्पन्न नर नारी की कथा का वर्णन भी करते हैं। ब्रह्मा जी की कथा पूर्ण होने पर सभी देवगण शिव की आराधना का निश्चय करते हैं। उधर पार्वती जब सखियों के साथ शिव आराधना के लिए प्रस्तुत होती है तो मैना क्रोधित होकर शिव का विरोध करता है, किंतु हिमालय राज युवराज मैना को समझाते हैं और पार्वती को शिव आराधना की आज्ञा देते हैं।
क्या देख रहे हैं देवराज? मेघदेव, मैं देख रहा हूं कि हिमालय राजपुत्री पार्वती कितनी श्रद्धा और कितने समर्पण भाव से शिव आराधना में संलग्न है। ब्रह्मदेव के आदेशानुसार स्वयं अपनी लक्ष्य पूर्ति हेतु हमें भी शिव आराधना करनी चाहिए देवराज। हाँ, अवश्य करनी चाहिए। जय हो देवराज इंद्र की जय हो। कामदेव, कामदेव तुम यहां? यह सुनकर मैं तो चौंक ही पड़ा था कि पराजित इंद्र की जय बोलने वाला कौन आ गया। क्षमा करें देवराज, परंतु जय विजय की स्थिति सदा एक सी तो रहती नहीं, कभी ये इस पर तो कभी वो उस पर। विधाता ही जानता है कामदेव कि ये जय और पराजय का क्रम कब समाप्त होगा। आप मुझे आज्ञा करें देवराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? मेरी सेवा करने के लिए तुम्हारा ये पूछा गया प्रश्न ही मेरे लिए बहुत बड़ी सेवा है कामदेव। नहीं देवराज, मैं शब्द सेवक नहीं हूं, कार्य सेवा का इच्छुक हूं। प्रतिपति, यदि तुम मेरी सहायता करने के लिए इतना ही कटिबद्ध हो तो मेरे लिए कार्य करो। आज्ञा करें देवराज। वहां देख रहे हो नीचे उस हिमगिरी के शिखर पर कोई कन्या किसी योगी के समीप खड़ी होकर पूजा अर्चना कर रही है। कामदेव, वो कन्या हिमालय राज की पुत्री पार्वती है और वो योगी कोई और नहीं, स्वयं कैलाश पति देवाधिदेव शिव शंकर है। हाँ, कैलाश पति भगवान शिव शंकर। ओम नमः शिवाय। शिव पर बड़ी आस्था है तुम्हारी? जिनकी शिव पर आस्था नहीं है उन पर मेरी आस्था नहीं है देवराज। तो उनके हित में जिनकी शिव पर आस्था है ये कार्य करो। पार्वती की निष्ठापूर्वक पूजा का ध्यान में लीन शिव शंकर कोई उत्तर नहीं दे रहे। यदि शिव केवल एक बार पार्वती की ओर अनुराग भाव से देख ले तो पार्वती की आराधना और विधाता का उद्देश्य पूर्ण हो जाए। विधाता का उद्देश्य? हाँ कामदेव, शिव के प्रसन्न होने पर ही उनका विवाह पार्वती से संभव होगा। शिव पुत्र द्वारा ही उस तारकासुर का वध होगा जो हम देवताओं से स्वर्ग का अधिकार छीनकर हम पर अत्याचार कर रहा है और जिसके कारण हमारी ये दुर्दशा है। मेरे द्वारा शिव जी के मन में अनुराग उत्पन्न करने से यदि आपकी स्थिति में सुधार संभव है, पुनः स्वर्ग का राज्य प्राप्त होना संभव है तो मैं सहर्ष इस कार्य को करूंगा देवराज। कामदेव, यदि ये कार्य आपके द्वारा संपूर्ण हो जाएगा तो समस्त देवगण आपका आभारी रहेगा। यदि ऐसा है तो मैं रति को साथ लेकर इसी समय हिमगिरी शिखर पर जाकर इस शुभ कार्य को संपन्न कर डालता हूं। मेरी मंगल कामनाएं तुम्हारे साथ है कामदेव। निमित्त भी लोक हित ही है। चारों ओर व्याप्त अशांति
और अत्याचार की समाप्ति के लिए अपने लौकिक रूप को मुखर करें भगवान, मुखर करें। Yeah.
ये बड़वान लग्नी तो जगत का सर्वनाश कर देगी। शिव जी का क्रोध अग्नि के रूप में कामदेव को भस्म करने के पश्चात भी विद्यमान है, कुछ उपाय करना होगा। ओम नमः ब्रह्मदेव समुद्र का नमन स्वीकार करें और आज्ञा करें मैं किस प्रकार से आपकी सेवा कर सकता हूं। समुद्र देव, इस अश्व को देख रहे हो? इसके शरीर से अग्नि प्रकट हो रही है। देख रहा हूं परमपिता, पर ये अश्व और ये अग्नि यहां आपके साथ कैसे आए? समुद्र देव, ये भगवान शिव की क्रोधाग्नि है जो कामदेव को भस्म करने के पश्चात भी विद्यमान है। यदि इस अग्नि का शमन नहीं किया गया तो तीनों लोक तक इस अग्नि की तपन जा पहुंचेगी। अतः लोक कल्याण के लिए और भगवान शिव की प्रेरणा से मैं उनके क्रोध को इस अश्व के रूप में लाया हूं। तो मेरे लिए क्या आ गया है परमपिता? समुद्र देव, तुम्हारे भीतर अनंत जल राशि है। इस भड़वानल अग्नि को शांत करने अथवा सहने की क्षमता तुम में है। यह अग्नि तुम्हारा जल पान करके तुष्ट होती रहेगी, किंतु तुम्हारी अनंत जल राशि अनंत होने के कारण कभी समाप्त नहीं होगी। इस प्रकार इस अग्नि से जगत की रक्षा हो जाएगी। भगवान शिव की इच्छा और आपके आदेश की पूर्ति करना मेरा परम सौभाग्य होगा परमपिता।